हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपको बिहार एसआई का जो क्वेश्चन आया था उसमें 100 क्वेश्चन का मैं आंसर और कटअप के रिगार्डिंग बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था गैल्वनाइजेशन इज डन बाई ए जिंक होगा इसका आंसर। दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था इरना सोलबर्ग के बारे में पूछा गया था, जो रिसेंटली अभी इंडिया विजिट की थी, वो कहाँ के पीएम है, तो नॉर्वे के पीएम है। और तीसरा क्वेश्चन था तो पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसके रिकमेंडेशन से आया है, ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से आया है। चौथा पूछा गया था कि अफ्रीका का कौन सा चार कंट्री का नाम दिया गया था, इसमें पूछा गया था कौन सा लैंडलॉक नहीं है, तो इसका आंसर होगा गैबॉन होगा। उसमें नाइजर और साउथ सूडान ये सब पूछा गया था, ऑप्शन में था, लेकिन गैबॉन होगा आंसर। फिर पाँचवा पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे, महाराष्ट्र में। छठा इंसेक्ट म्यूजियम के बारे में पूछा गया था, ये तमिलनाडु में। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के बारे में पूछा गया था कि ये एक महीने में सिर्फ लोकसभा से पास होना चाहिए, राज्यसभा से होना चाहिए, पास फिर दोनों हाउस से पास होना चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस से। हाँ, फिर इसमें जो फोर्थ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है। आर्टिकल 117 के बारे में पूछा गया था, किससे रिलेटेड है, फाइनेंस बिल से रिलेटेड है। नागोया प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था, ये मुझे क्वेश्चन ठीक से याद नहीं है कि ये आया कब था, या फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कि इफेक्ट में कब आया था, तो आया बनाया गया था 2010 में, लेकिन ये इफेक्ट में 2014 में आया था, इसलिए मैंने दोनों लिखा है, उसमें दोनों ऑप्शन भी थे लेकिन मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है। लिविंग नो वन बिहाइंड ये किसका थीम है, ये इंटरनेशनल वाटर डे का थीम लाइन था। आर्टिकल रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ डेप्टी चेयरमैन, ये आर्टिकल 92 से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वो रिमूवल के दौरान चेयर पर नहीं बैठ सकते, वो प्रेजाइड नहीं कर सकते हाउस को, तो आर्टिकल 92 में लिखा गया है। फिर एक पूछा गया था नॉट एन एक सी टू प्लांट कंजर्वेशन, तो ये वाला होगा कोई फार्मिंग से रिलेटेड कोई ऑप्शन था वो होगा, बाकी तो उसमें तीन ऑप्शन थे, वो तीनों ऑप्शन नहीं है, ये फार्मिंग से रिलेटेड कोई ऑप्शन था। नेक्स्ट एक पूछा गया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें दो क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, एक आगे आएगा। स्टेट नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये मणिपुर होगा, और बाकी ऑप्शन में त्रिपुरा और मिजोरम दे रखा था, तो वो सब आते हैं। पूर्ण स्वराज का वो जो मांग है वो कौन से सेशन में पास किया गया था, तो ये लाहौर सेशन में पास किया गया था 1929। हु डिसाइफर्ड अशोका एडिक्ट्स, ये किसने डिसाइफर किया था अशोका एडिक्ट्स को, तो ये जेम्स प्रिंसेप होगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एक चार वो मैच दो कॉलम दे रखा था, इसमें से पूछा गया था कि कौन सा कमेटी सही मैच नहीं किया गया है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने डॉक्टर अंबेडकर लिखा था, और फिर स्टेट्स कमेटी के सामने जवाहरलाल नेहरू लिखा था, और एक और कोई कमेटी था, लेकिन इसमें गलत वाला पूछा गया था, तो गलत स्टीयरिंग कमेटी के सामने के मुंशी लिखा था, जो कि गलत है। सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, मतलब वो वाला ऑप्शन को आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट टू अडॉप्ट पंचायती राज, ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हम्बोल्ट करेंट, ये चार ऑप्शन दे रखा था कि साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका के किधर बहती है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका बहती है, इसी को पेरू करेंट भी बोलते हैं। कॉटन इज ग्रोन ऑन, ये ब्लैक सॉयल पे कॉटन ग्रो करती है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था द हिंदू न्यूज़पेपर के किसने शुरू किया था द हिंदू न्यूज़पेपर को, तो आंसर होगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कौन से स्टेट से नहीं पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उड़ीसा होगा आंसर। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2018 किसको मिला था, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट को मिला था। एक केमिकल रिएक्शन दिया था मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट लाइट निकलेगा बाकी। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन है, बाकी के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मैं अगले वाले स्लाइड में इसको बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।